जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, कोटा से तीसरी बार सांसद बने ओम बिरला को ध्वनिमत से 18वीं लोकसभा का नया स्पीकर चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिरला को आसन तक लेकर पहुंचे। विपक्ष ने ध्वनिमत एवं डिवीजन की मांग नहीं की, जिससे ओम बिरला की नियुक्ति को सर्वसम्मति के साथ मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिरला को दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। बिरला के अध्यक्ष बनने के बाद कोटा, जयपुर सहित कई जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल रहा। प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया, प्रदेश मंत्री पिंकेश पोरवाल, कार्यालय प्रभारी मुकेश पारिक, प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ, एससी मोर्चा के अध्यक्ष कैलाश मेघवाल की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने लड्डू खिलाकर खुशी मनाई और आतिशबाजी की। जब ओम बिरला ने अध्यक्षीय आसन ग्रहण किया तो पीएम मोदी, राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। जयपुर भाजपा मुख्यालय पर बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ताओं ने लोकसभा की इस कार्यवाही को लाइव देखा। प्रदेश मंत्री पिंकेश पोरवाल ने कहा कि यह न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का समय है। एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने कहा कि ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष बनने से राजस्थान के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। वहीं दूसरी ओर राज्यपाल कलराज मिश्र ने दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर ओम बिरला को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि बिरला के मार्गदर्शन में लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी और भारत तेजी से विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। ओम बिरला के दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह का माहौल है और यह राजस्थान के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है। कि आज के दिन में सर्वप्रथम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार व्यक्त करूंगा और बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद इस बात के लिए दूंगा कि उन्होंने आज लोकसभा में स्पीकर के पद पर, अध्यक्ष के पद पर ओम बिरला जी का पुनः चयन किया है। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से 17वीं लोकसभा का और बहुत ही तरीके से, बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से संचालन हुआ, ठीक उसी प्रकार 18वीं लोकसभा में भी वैसा ही सदन शांतिपूर्वक और बढ़िया तरीके से ओम बिरला जी चलाएंगे और जो लक्ष्य निर्धारित किया है, विकसित भारत हो, भारत सर्वश्रेष्ठ दुनिया में हो, इसी प्रकार का काम सदन करेगा। निश्चित मान के चलिए एक बार पुनः ओम बिरला जी को मैं मेरी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की तरफ से बहुत बहुत बधाई और साधुवाद धन्यवाद देना चाहूंगा। पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है और मैं यहाँ तक भी कह सकता हूँ विपक्ष के लोग भी खुश हैं। विपक्ष भी चाह रहा था कि एक योग्य सुयोग्य अध्यक्ष बने, ओम बिरला जी उसमें सफल होंगे। पिछला कार्यकाल भी सफल रहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और सदन में ऐतिहासिक निर्णय होंगे, राष्ट्र हित में होंगे। विपक्ष केवल विरोध करने के लिए आया था, परंतु विपक्ष भी खुश है कि एक सुयोग्य व्यक्ति को पुनः अध्यक्ष बनाया है और हम सबको खुशी है, पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। इस उपलक्ष्य पर हमने पटाखे छोड़े, मिठाई बांटी है और हमें विश्वास है कि सदन अच्छा चलेगा, ओम बिरला जी के देखरेख में चलेगा और राष्ट्र हित के जो निर्णय भाजपा करेगी, एनडीए करेगा, वो सारे अच्छे होंगे। विपक्ष की भूमिका भी हमारे साथ रहेगी, ऐसी हम आशा करते हैं।